सैफुल्ला खान डिस्ट्रिक्ट बिरो चीफ रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के खतूत की पेश नज़र कल और परसों एक बड़े सैलाबी पानी का खतरा मानसून बारिशों के दूसरे मरहले से पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र जिला राजनपुर में रेड अलर्ट जारी करते हुए तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया। इस खतरे के पेश नज़र नशेबी इलाकों और मुतवक्का मुतासर बस्तियों से लोगों के बाहिफाजत इंखला के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। जिला भर में 40 फ्लड रिलीफ कैंपस कायम कर दिए गए। लोगों से गुजारिश है कि वो फौरी मुतवक्का मुतासरा इलाकों से इन कैंपस में तशरीफ ले जाएं। कैंपस की तफसीलात भी मुहैया की जा रही हैं। राजनपुर की जिला इंतजामिया के तहत 130 सिविल डिफेंस रजाकार इस वक्त इलाकों में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा सिविल डिफेंस अहलकार जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से राजनपुर में स्पेशल ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से कुछ खतूत अरसाल हुए, जिसके अंदर मानसून के फेज टू के हवाले से एक कुछ नए स्पेल्स और उसके पेश नजर होने वाले खतरात की निशानदेही की गई है। और इन निशानदेही को के पेश नजर जिले इंतजामिया राजनपुर ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, और रेड अलर्ट जारी करते हुए तमाम महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। राजनपुर के अंदर इस वक्त तकरीबन 250 रेस्क्यूअर्स जो हैं 38 कश्तियों की मदद से मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर रहे हैं और लोगों का इनखला कर रहे हैं, जिसमें हमारे 130 सिविल डिफेंस के अहलकार भी शामिल हैं। और इन सिविल डिफेंस अहलकारों में से 100 अहलकार वो हैं जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं। रेस्क्यू 1122 राजनपुर को इस वक्त जिला रहीमियार खान और जिला मुल्तान के रेस्क्यू टीम्स की मदद हासिल है। जिला इंतजामिया ने 40 कैंप्स पूरे जिला राजनपुर के अंदर कायम कर दिए हैं, जिनकी तफसीलात हम कुछ देर में शाया कर देंगे। और इस पूरे रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस के जिला इंतजामिया की तरफ से जो फोकल पर्सन है वो सरदार काशिफ डोगर साहब हैं, सरदार मोहम्मद काशिफ डोगर जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं, और हमारे मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं मोहतरमा अफगाने खान जामपुर से, सलमान बशीर साहब राजनपुर से, और जिशान केसरानी जामपुर से रुझान से। उनके कांटेक्ट नंबर्स भी शेयर किए जाएंगे। और इस वक्त हम लोगों ने 40 कैंप्स कायम कर दिए हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने करीबी कैंप्स में तशरीफ ले जाएं और इंखला करें। ऐलानात भी किए जा रहे हैं, और इस वक्त जिला इंतजामिया को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। हम मानते हैं कि ये मुश्किल वक्त है, और इस मुश्किल वक्त में हमें सबने मिलकर लड़ना है, और हमने अपना एक दूसरे का बाजू बनना है और एक दूसरे का सहारा बनना है। हम तनकीद के बजाय एक दूसरे का साथ दें, और इस वक्त जिला इंतजामिया की बात को गौर से सुने, और अपने और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करते हुए इन रिलीफ कैंप्स में पहुंच जाएं। इन रिलीफ कैंप्स में आपको तमाम फैसिलिटीज मुहैया की जाएंगी। आपके जानवरों के लिए लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का एक पूरा यूनिट कायम है वहां के ऊपर। वहां पर हेल्थ की फैसिलिटीज हैं, और तो बाकी भी तमाम जो हमारे डिपार्टमेंट्स के SOPs हैं वो पूरे किए जाएंगे। हम लोग इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ही देर में हमें रेस्क्यू की 50 मजीद कश्तियां भी इस पूरे ऑपरेशंस के अंदर शामिल हो जाएंगी। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोगों ने उन तमाम जो हमारी 120 बस्तियां हैं, उन बस्तियों से महफूज मकाम की तरफ आना है। किसी भी नागहानी सूरत हाल के पेश नजर हमें अपना पहले से इंतजाम करना चाहिए, और हमें उन लोगों की बात सुननी चाहिए जो हमारी हिफाजत के लिए सब पेश नजर। तमाम डिपार्टमेंट, पुलिस, सिविल इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, सेहत, तालीम, तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं और आपकी खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। हमें इस वक्त सिर्फ ये है कि आप जहां पर आपके ऐलानात किए जा रहे हैं या जहां निशानदेही की जा रही है वहां से बाहिफाजत आप लोग कैंप्स में आ जाएं, ताकि आप लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस मुश्किल वक्त में दोबारा, मैं कह रहा हूं कि हम दोबारा इस मुश्किल वक्त में सब मिलकर दोबारा सुधरेंगे, और राजनपुर के लोग, ख्वाजा फरीद की नगरी के लोग दोबारा से उस ख्वाजा साहब के शेर को करेंगे कि झोंका थी फिर आबाद वल इन्ह नवा से हिपमणि। तो हम लोग साथ हैं। मेरे लिए भी ये इमोशनल है, हम सबके लिए इमोशनल है, लेकिन हम लोगों को मिलकर ये इस चीज को मुकाबला करना, और जिंदा कौमें अपना मुकाबला करती है।